अरे वाह बट्टू, तुम 120 किलोमीटर की स्पीड से स्केटिंग कर रहे हो। स्केटिंग बटावड़ेकर सर, आपके स्मार्ट स्केट्स तो कमाल के हैं। इनके व्हील्स अपने आप तेजी से चल रहे हैं, हमें तो सिर्फ इस पर बैलेंस बनाना है। वाओ, ग्रेट इन्वेंशन। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, देखो मेरे आविष्कार। इस रिमोट के जरिए रोलर स्केट्स की स्पीड तुम जितनी चाहो बढ़ा सकते हो। बटावड़ेकर सर, अब तो स्मार्ट स्केट्स को बंद कर दो, गट्टू कब तक स्केटिंग करेगा। दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन मेरा स्मार्ट स्केट्स सक्सेसफुल हो गया। इस रिमोट से इस स्केट को 100 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा तेज चलाया जा सकता है। पक्का। ये रिमोट हमें दीजिए, अब हम खुद ट्राई करेंगे। सर जी, यहाँ पे चोरी हो गया है, जल्दी आइए जल्दी। ओके ओके, हम अभी आते हैं। बट्टू, शेर सिंह बैंक लूट कर भाग रहा है, हम स्मार्ट स्केट से जाकर उसे अभी पकड़ते हैं। आज का दिन बड़ा शुभ है, बैंक लूट लिया और कोई भी परेशानी नहीं हुई। परेशानी का नाम लिया और परेशानी हाजिर। लगता है परेशानी का दूसरा नाम गट्टू है बस। लेकिन ये इतनी तेजी से स्केटिंग कैसे कर रहा है बस? रुक जाइए। रुकना मत, चलते रहो चलते रहो। ये लोग तो हमें कुचलने के चक्कर में हैं। अभी बताते हैं। अब मजा आएगा शेर सिंह जी। बात गट्टू तो अपनी तरफ आ रहा है, लगता है वो हमें कुचलना चाहता है बस। बस गट्टू वैन की छत पे है, फिर वो अंदर आएगा और हमें धोबी के कपड़े की तरह रगड़ रगड़ के धोएगा बस। जुबान बंद कराओ, मेरा आज पिटने का बिल्कुल इरादा नहीं है। तुम जानते नहीं, चालाकी मेरी मौसी का नाम है और मक्कारी मेरी सगी मामी का। नहीं भाई, नहीं। स्केट्स कैसे पहने हैं और ये इतनी स्पीड से कैसे चलते हैं, ये तो पता करना ही पड़ेगा। मेरा स्मार्ट स्केट्स सक्सेसफुल हुआ है, पहले ही दिन इसे सफलता मिली है, मजा आ गया। हम तो ये उस फाटा वाड़ेकर का नया आविष्कार है। उस रिमोट से वो रोलर स्केट्स की स्पीड तेज और कम कर सकता है। वो स्मार्ट स्केट मेरे हाथ लग जाए तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। तैयारी करो, मैं ऊपर से हमला करके वो स्मार्ट स्केट और रिमोट उनसे छीन लूंगा। तो गेट सेट रेडी। तैयारी क्या कर ली है बस? दादा कमान। मेरा ये मतलब नहीं था। बॉस कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे। मुझे एयर अटैक करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नीचे फेंक दो। चलो मुझे मजबूत पतंग की डोर से बांध दो जल्दी।
जल्दी करो जल्दी करो, मेरा काम हो जाएगा। डन, रेडी फॉर जंपिंग बाबा। हम ये रुपए बैंक मैनेजर को देकर आते हैं, आप लोग घर चलिए। अब शहर की सैर करने को तैयार हो जाओ। आए, ये स्केट्स को क्या हो रहा है? तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब देखोगे मजा, गिन गिन के बदला लूंगा। आई आई वो गट्टू मैं आ रहा हूँ, ओ तेरी सॉरी, आउ 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 लग गई। गट्टू डरना मत। तबाही का दूसरा नाम शेर सिंह है। क्या हुआ बस? तो पहला नाम किसका है बॉस? बेवकूफ जो गिर गया वो हार गया। बाय बाय गट्टू। पूरे बाजार को तोड़ फोड़ दिया, इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। बिना परमिशन ऐसे स्मार्ट स्केट्स बनाने की क्या जरूरत थी? चम्मच सेन, इन्हें अंदर कर दो। किसी ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। सर, हमने आपको पूरी बात बता दी है। शेर सिंह ने रिमोट चोरी किया है, चोरी। उसने ही बाजार में तोड़फोड़ मचाई। अरे अपराधी वो है, वो हम नहीं। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, अपराधी को बचाने वाला कौन होता है? अपराधी को बचाने वाला भी अपराधी ही होता है। आप शेर सिंह को बचा रहे हैं, और शेर सिंह अपराधी है। अपराधी इसका मतलब है आप अपराधी हैं। हवलदार चम्मच सिंह, मनमानी जी को लॉकअप में बंद कर दो, और जब तक ये अपराधी माफी ना मांगे छोड़ना मत। यस सर। कम ऑन अपराधी, अंदर चलो, अंदर चलो जी। निकालो चम्मच सिंह, मुझे बाहर निकालो। बट्टू जी ने बोला है जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक आपको नहीं छोड़ सकते। बट्टू जी के चमचे, मुझे बाहर निकालो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। हा, हा, हा।